शेषे सांसद अपराजिता षडंगी भी पचारे किए से ही रहस्यमयी महिला निजर सोशल मीडिया अकाउंट रे पोस्ट करी अपराजिता लिखिंट मुख्यमंत्री एवं तांको निकटस्थ अधिकारी मानंको शासन प्रशासन अत्यंत कौतूहलप्रद रोमांचक एवं हास्यास्पद हो सारी मुख्यमंत्री रोम जाउछंती टोकियो जाउछंती किंतु राज्यवासी मिसिबापी निजर व्यक्तिगत सचिव को लगाइछंती जहां स्वाधीन भारत इतिहास गणतंत्र शासन रे एभली देखा जाय नाही। जेतेबेले विरोधी दल नेता जयनारायण मिश्र और सांसद बसंत पंडा एक निर्दिष्ट रहस्यमयी महिला विषय में कही मुख्यमंत्री वाटिकान जा मुख्यमंत्री कार्यालय में अबाध प्रवेश करणसी उत्तर देवा परिवर्ते दलय प्रवक्ता माने विरोधी दल नेता पगल बोली कहते यार कौन उत्तर दि जाऊना कहीं प्रश्न पचारिता गणमाध्यम द्वारा प्रकाश पाता निर्दिष्ट रहस्यमयी महिला जड़े नर्स बा थेरापिस्ट जदि यह सत्य यह अत्यंत संगीन एवं चिंताजनक विषय ओडिशा परी गुरुत्वपूर्ण राज्यर मुख्यमंत्री चिकित्सा गुप्त घरोई व्यवस्था उपरे छाड़ी देवा अनुचित एही गुप्त चिकित्सा निर्दिष्ट रहस्यमयी महिला द्वारा करा जाउछि कि एही रहस्यमयी महिला चिकित्सा पाई किए चयन करिछि रहस्यमयी महिला क्यों प्रकार चिकित्सा करुछंती उद्देश्यमूलक भाव मुख्यमंत्री को नेता एवं प्रशासनिक अधिकारी मानू दूरे रखा जाए कि शेष थर पर मुख्यमंत्री को सीधा सड़ख व्यक्तिगत भाव मुख्य शासन सचिव एवं उन्नयन कमिश्नर केबे भेटी राज्यर गुईंदा तथ्य किए मुख्यमंत्री को देउछि राज्य में कौन घटू मुख्यमंत्री जानुछंती तो राज्यवासी ए समस्त विषय स्पष्ट उत्तर देवा आवश्यक बोली सोशल मीडिया रे कहिछंती अपराजिता तेब अपराजिता ए मंतव्य नहीं राज्य सरकार किंबा बीजेडी पक्षरु कौनसी प्रतिक्रिया मिली पारी नाही। अधिक आलोचना पाई बीजेपी नेता सत्यव्रत पंडा अवस्थित रही श्रुत पंडा आपण को ओटीपी को स्वागत श्रुत पंडा ये अपराजिता ट्वीट भी आसीगला प्रकृत में भारतीय जनता पार्टी कौन जानवाक चाहूँगी ये रहस्यमय महिला बाबद बीजेपी बीजेपी वरिष्ठ नेता मैंने कौन जानते के देखु सांसद अपराजिता षडंगी एवं भारतीय जनता दल जनता पार्टी अन्न्य नेतृमंडली दियोटी प्रसंग को मुख्य आयुध कर गला किसी दिन है प्रसंग केवल भारतीय जनता पार्टी नुह ए प्रसंग हूँ 4.5 कोटी ओडियांकर एक प्रथम स्पष्ट करदे चाहे प्रसंग टी हला ओडिशार राजनैतिक एवं प्रशासनिक असंगति जो धारा वर्तमान आरंभ हो जो असंगति देखा जाइए से असंगति संक्रांत में किसी ठोस प्रश्न आम पचार चाहूँ गोटे दुटी जिनस मुझे उठेबापी चाहिए जे जेतेबेले तांकर सचिव मुख्यमंत्री सचिव जेतेबेले सारा ओडिशा गस्त कले बरगढ़ रे से मुख्यमंत्री गोटे बार्ता मोबाइल द्वारा शुणवाक आरंभ कले से मुख्यमंत्री कहले जे आपण मानकर सुविधा असुविधा बुझापी मु व्यक्तिगत सचिव को पठे किंतु जेतेबेले विधानसभा प्रश्न उठिला मुख्यमंत्री सेतेबेले तांकु पचरा जाइ नथिला प्रश्न सी सोमट निज आड़ू जेतेबेले उत्तर दौंती सीए कहते मु सीएम को पठेली मुख्यमंत्री दफ्तर को पठेली बरगढ़ जनसाधारण को कहते मु सचिव को पठेली कितु हठात स्वर परिवर्तन हो जाऊँगी कौटी ना आपणकर विधानसभा उत्तर देला बेलू मु मुख्यमंत्री कार्यालय को पठेली ये प्रश्न उठू जे मुख्यमंत्री निष्पत्ति जो चिंताधारा जो निष्पत्ति जनसाधारण को जनईवे एत द्वंद कहीं रोचे या पूर्व 5T सचिव कहला तेणु ए भद्र व्यक्ति ए प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री सचिव ना मुख्यमंत्री सीएमओ जहाँ आम कह चीफ मिनिस्टर ऑफिस ना सी 5T सचिव ए संक्रांत स्पष्टता वर्तमान सुधा सरकार ठीक अच्छे बाबदे तो समस्ते जानवाक चाहूंट कि ये भारतीय जनता पार्टी जो प्रसंग उठाऊ ये रहस्यमय महिला को नहीं ए बाबद रे बीजेपी पाखरे कौन तथ्य प्रमाण अच्छी एवं ये रहस्यमय महिला को बाबद रे केते जानिछंती भारतीय जनता पार्टी नेता साधारण जनता विरोधी दल भाव आपको जानवाक चाहिए ठीक ए प्रसंग केते जानिछु न जानिछु ताठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण जिनस दुई तीन टी जिनस होउछि गोटे हला आम जानिछु मुख्यमंत्री 23-24 वर्ष शासन मध्य आम वर्तमान सुधा पनीपरिया ठार फल मछ ए सबू एवं एभलिकी आमर राजनैतिक परिचालना
दलय परिचा आम के आंध्र प्रदेश केतबेले आलू प्याज पश्चिम बंग उपरे केतबेले राजनीति परिचालना पई तमिलनाडु उपरे निर्भरशील थिलु किंतु आज ये फिजिओथेरापिस्ट पई आमे गोवा उपरे निर्भरशील हलुनी ए प्रकार प्रसंग मध्य एठारे आसीबो अर्थात 23 वर्ष शासन काल रे आमे जे केवल पनी माने ये फिजिओथेरापिस्ट गोवा रु आसी छथि आउ कोन श्रुत पंडा जानि छथि रोचक तथ्य निश्चित भाव राज्यवासी पई मध्य हबो एवं राज्यवासी मध्य जानिबाकु चाहिबे ये फिजियोथेरापिस्ट को बाबत रे सबुठारु बड़ रोचक हला जो गुप्त सेवार कथा उठी गुप्त चिकित्सार कथा उठी या पूर्व ए सचिव जनक चारिआडे कहिकिरि बुलिले जे ओडिसार परिचय होउछन्ति नवीन पटनायक किंतु आम जानी ओडिसार परिचय होउछन्ति प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथंकर किसी गुप्त सेवा थाए किंतु से गुप्त सेवा गुड़िक जदि जनसाधारण भक्त देखती ना किंतु से जानती है गुप्त सभा कौन कौन होण कौन न होती व्यवस्था अच्छी से पंडा पढ़िहारी अच्छा से स्थायी वंशानुक्रमिक व्यवस्था मध्य अच्छी जमी बाड़ी दि जाइए किंतु मुख्यमंत्री जी जहाँ कहशार आउ एक परिचय बोली गुप्त सभा संक्रांत समस्त तथ्य जनसाधारण जानवर अधिकार सबुठ बड़ कथा जहाँ सांसद अपराजिता पचारिंटी मुख्यमंत्री सेमती किसी ट्रिटमेंट हो चिकित्सा चली ताले राज्यवासी भी जानिबार आवश्यकता रहुछि निश्चित भाव से कथा ही मुझे जे सरकारी डाक्तरखाना को जानी शुणी दुर्बल कर दिगला घर चिकित्सा जो ग्रुप तैयारी हेले जो व्यवसाय करने आरंभ हला से घर चिकित्सा को चिकित्सालय को ट्रांसफर कर दिगला सरकारी डाक्तरखाना को अचल कर दिगला बर्तमान ओडिशार घर चिकित्सालय गुड़िक अकामी हो गले मुख्यमंत्री सेवा करने से सुदूर गोवारु थेरापिस्ट माने आसिले से थेरापिस्ट किए आम कौन कौ थेरापिस्ट किए शिक्षागत योग्यता कौन ताकू भाव में चयन करागला ए समस्त कथा जानवाई जनसाधारण अधिकार अच्छे आप देखिथे गत काली पंडा विधानसभा 5G सचिव गस्त बाबद प्रश्न पचरा जा नाला कि आगुआ मुख्यमंत्री उत्तर रखिले तो आज आम आशा करवा गृह ये रहस्यमयी महिला बाबद फिजिओथेरापिस्ट बाबद किसी तथ्य दिजो कि निश्चय विजु जनता दलर दुई जन तुंग नेत्री गत काली जड़े ब्याच पिंधते आउ जड़े बेकरे विजु जनता दलर नापकिन गुड़ाऊ से मुख्यमंत्री जो प्रकार चेहरा जो प्रकार क्रोध जो प्रकार विरक्ति आम देखिले जदि महिला मानक प्रति ओडिशार महिला मानक प्रति एते प्रकार असूया आक्रोश घृणा एवं ताश्चल्य अच्छे मुख्यमंत्री क्यों कारण से ओडिशा बाहर जड़े महिला को आणिकी तांकर गुप्त सभा करउछन्ति से कथा जनसाधारण जानिबा निहाति आवश्यकता रहिछि। ओके बहुत बहुत धन्यवाद श्रुत पंडा आपनको आलोचना पई राजाराम शतपथी वरिष्ठ सांबादिक राजनैतिक समीक्षक अधिक आलोचना पई रहिछन्ति। श्रुत शतपथी ये रहस्यमय महिला को नहीं वर्तमान समय रे जोरदार चर्चा एवं सांसद अपराजिता षडंगी ट्वीट करिछन्ति एवं बीजेपी नेता वर्तमान कहुथिले जे स्पष्ट करा जाऊ किए ये रहस्यमय महिला ये फिजिओथेरापिस्ट किए राज्य बाहर कहीं किए आसी तो ए बाबद स्पष्टता आसब सरकार ए बाबद कहे आप आशा अच्छी सरकार किसी अनेक कथा अतीत पचरा जा सरकार सब चुप रही तेना सरकार जो मैंने अच्छा से जानते किसी दिन पर्यंत ये प्रकार सब पाटितुंड हम एवं मीडिया बाहर तापर सब चुपचाप तापरे जो प्रश्न आज आप उठे नेता से विषय उठे जे ए महिला जनक किए बाबद एत कथ पचरा तार कारण हूँ सी जदि विदेश जाते बाबद जो टा खर्च होता तो राजकोष रु जाना बाबद जो टा खर्च होता तो जनसाधारण टा से प्रश्न उठ किए विदेश गला किए क्या भेटला से बहुत लोकंर से साधारण लोकंर किसी जायज ना जेहेतु राजकोष रु से टा खर्च हो सदेह करो से किए एवं कौ अधिकार किंतु जेतबेले राज्यर मुखिया मुख्यमंत्री जाउछंती तांको सहित किए जाउछंती कौन पई जाउछंती एवं कौन पूरा कार्यक्रम थिला ए बाबद रे भी तो राज्यवासी जानिबार अधिकार अछि ना श्रुत शतपथी सेई सेई कथा मु कहली जेतु एथरे राज्यर मुख्यमंत्री जाउछंती एवं तांको संगे किए जाउछंती ता मध्ये साधारण लोक जानिबा दरकार ई तो ई गणतांत्रिक परंपरा ये तो विधि
ଇଏ ତ ହେଉଛି ନିୟମ ସାରା ଦେଶର। ତେଣୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଏ କଥା ଉଠିଲାଣି, କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ସରକାର, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ କିଏ କୋଉ କାପାସିଟିରେ ଯାଇଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି। ସରକାର ତ କହିବା କଥା ନା, 5G ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ବାବଦରେ, ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ, ଯଦିଓ ଗୃହ ବାହାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିଲା, ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗୁଆ ଆସି ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ବାବଦରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଶା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ରହସ୍ୟମୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଜି ଆଗୁଆ ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ କି, ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆସିବାର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଉତ୍ତର ଆସିବ କି ନାହିଁ ମୋର ସନ୍ଦେହ, ଆଗୁଆ ଉତ୍ତର ଆସିବ ବୋଲି ଆପଣ ଯୋଉ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସରକାର ରଖନ୍ତୁ, ଏ ସେ କିଏ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ କାହିଁକି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି, ସେ ତାଙ୍କର ତାକୁ ପଚାରି ଯାଇଥିଲେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ। ତ ପୁଣି ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା ଦରକାର ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ନହେଲେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସରକାର ରଖିବେ, ମୁଁ ମୂଳରୁ ଯାହା କହିଥିଲି ମୋର ଏ ବିଷୟରେ ଆଶା କମ୍, ଅତୀତରେ ଅନେକ କଥା ଦାବି କରାଯାଇଛି, ସରକାର କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ବସି ପଡନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ କିଛି କହନ୍ତେନି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୁତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ।